नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर हाईकोर्ट ने जबलपुर की डुमना एयरपोर्ट से घटती फ्लाइट कनेक्टिविटी पर संज्ञान लिया। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एयरलाइंस कंपनियों से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जबलपुर भौगोलिक रूप से देश का सेंटर पॉइंट है, लिहाजा सरकार जबलपुर एयरपोर्ट से दूसरे शहरों की फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में क्या कर रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा है कि अगर जबलपुर एयरपोर्ट से ज्यादा फ्लाइट चलाने की जरूरत नहीं है तो सरकार 500 करोड़ रुपयों की लागत से एयरपोर्ट का विस्तार क्यों किया था। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एयरलाइंस कंपनियों से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है और मामले पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को तय कर दी है। हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक उपेक्षा के चलते जबलपुर एयरपोर्ट की फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाई जा रही है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल से पहले जबलपुर एयरपोर्ट से रोज 8 रेगुलर फ्लाइट्स उड़ती थी, जबकि आज की तारीख में सिर्फ 4 फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं। ये आज डॉक्टर नाज पांडे और रजत भार्गव द्वारा जो जनहित याचिका दायर की गई थी, इसमें मुख्य रूप से आधार ये लिया गया था कि जबलपुर एयरपोर्ट का अन्य शहरों लाई के ग्वालियर और भोपाल और इंदौर से भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ 5,000 करोड़ की लागत से नया एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है और जब ये नया एयरपोर्ट नहीं बना था तब जबलपुर में नियमित 8 फ्लाइटें चल रही थी, वर्तमान में अभी 4 फ्लाइटें ही चल पा रही हैं। और ऐसा करके भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार और पर्टिकुलर जबलपुर के साथ अन्याय है या भेदभाव किया जा रहा है, उसी याचिका की आज सुनवाई हुई। आज विमान कंपनियों की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने न्यायालय में ये तर्क प्रस्तुत किए कि चूँकि विमान कंपनियाँ प्राइवेट कंपनियाँ हैं, उनका व्यवसाय निजी व्यवसाय है और वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आते, इसलिए उनके खिलाफ कोई निर्देश जारी नहीं किए जा सकते हैं। जिस पर माननीय न्यायालय ने कमेंट्स किया कि याचिका में यद्यपि ये प्राइवेट विमान कंपनियाँ हैं किंतु भारत सरकार भी पार्टी है और व्यापक जनहित इन्वॉल्व है, इसलिए हर मामले में ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। और भारत सरकार से ये स्पष्ट पूछा कि जब जबलपुर हिंदुस्तान का सेंटर बिंदु है, केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से हर जगह की फ्लाइटें होनी चाहिए, उसकी बजाय आप जो पूर्व में फ्लाइटें थी वो भी कम कर दिया गया है। और जब आपका ये आपने ये था कि यहाँ फ्लाइटों की चलने की संभावना नहीं थी तो आपने इतना पैसा खर्च क्यों किया, ये सबको देखते हुए आप जवाब प्रस्तुत करें। और विमान कंपनियों से बोला कि आप भी अपना जवाब प्रस्तुत करिए और अगली सुनवाई 11 दिसंबर की नियत की। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।